नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्य है। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सलाल फिल्म की ऑडियंस ऑक्युपेंसी बताने वाला हूँ हिंदी मार्केट में मॉर्निंग शो की, किस तरह से इसकी ऑक्युपेंसी है, किस तरह से फिल्म कहाँ जाने वाली है। फिल्म की अगर बात करें तो सिंगल्स की इसमें सलाल फिल्म को डंकी से बढ़िया होल्ड मिल रहा है और ऑडियंस इस फिल्म को लेकर सिंगल स्क्रीन या मास बेल्ट में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। लेकिन मल्टीप्लेक्सेस में इस फिल्म को वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है नॉर्थ बेल्ट से जो मिलना चाहिए। फिलहाल इसकी ऑक्यूपेंसी 8% है जो कल 9% के आसपास थी। ऑक्यूपेंसी धीरे धीरे गिरेगी, लेकिन इसकी ऑक्यूपेंसी का जो ड्रॉप है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं है। डंकी में ज़्यादा ड्रॉप था, लेकिन इसमें उतना ज़्यादा फिलहाल ड्रॉप नहीं है। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमें पता चलेगा कि कौन सी फिल्म कितने लंबी जाती है। लेकिन फिलहाल हिंदी मार्केट में जिस तरह से कलेक्शन लार के आ रहे हैं अभी तक तो सम्मानजनक हम कह सकते हैं, ये सही शब्द होगा। लेकिन आगे किस तरह से जाएंगे उसे बहुत कुछ डिपेंड होगा। कल ड्रॉप मिला, बहुत हैवी ड्रॉप नहीं था, बट स्टिल इट वाज ए प्रीटी एविडेंट ड्रॉप। और फिल्म का एक लॉन्ग रन जो है काफ़ी मुश्किल नज़र आ रहा है, चाहे वो सलाल हो डंकी। 8% की ऑक्यूपेंसी इस फिल्म की डे 6 की नज़र आ रही है। कलेक्शंस अगर यहाँ से 7-8 या 9 करोड़ भी आते तो काफ़ी अच्छा होगा। सिर्फ फिलहाल इतना ही।